राधे कृष्णा चैनल में हम सब आप सबका स्वागत करते हैं। सबको मेरी तरफ से नमस्कार। दोस्तों, कई बहनें हमारे पूछ रही हैं कि धनतेरस पर क्या खरीदें जो ज़्यादा शुभ हो। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जिसमें सामर्थ्य है वो सोना चांदी अवश्य खरीदें, और जिसको नहीं है इतना तो आप देखिए उस दिन ये धनिया अवश्य ले आएँ, धनिया ज़रूर ले आएँ और लक्ष्मी माँ को अर्पित करना चाहिए। और ये कौड़ियाँ, ये पीली कौड़ी अवश्य ले आएँ। ये गुमती चक्र है, देखिए गुमती चक्र ला करके आप ये कौड़ी और गुमती चक्र खरीदें। ये कमलगट्टा का ये फली होती है, इसको ले आइए। और नमक लाना नहीं भूलें, नमक ज़रूर ले आएँ। लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ इतनी कमाई होती है लेकिन बचता नहीं है, नमक की तरह पैसा बह जाता है, तो आप उस दिन नमक ज़रूर ले आएँ। नमक लाने से बरकत होती है। और एक झाड़ू ज़रूर ले आएँ, वो माँ लक्ष्मी की बहन मानी जाती हैं, तो झाड़ू अवश्य खरीद करके लाएँ। इतना चीज़ आप खरीद कर ले आते हैं तो घर में धन की वर्षा होगी। और जिसके पास शंख नहीं है तो देखिए दक्षिणावर्ती शंख है, तो इस तरह से आप दक्षिणावर्ती शंख ला करके माँ लक्ष्मी के सामने अर्पित करें। ये सब चीज़ ले आ करके आप इन्हें गंगा जल से शुद्ध करके, धूप दीप दिखा करके, अक्षत रोली चढ़ा करके माँ लक्ष्मी जी के सामने अर्पित करें, इससे घर में बरकत बनी रहेगी। तो हाँ दोस्तों, अगर हो सके तो दीपावली के दिन कमल का फूल अवश्य ले आएं, और माता लक्ष्मी जी को कमल का फूल बहुत ही बेहद ही पसंद है। वो कमल के आसन पर बैठी हुई हैं, विराजमान हैं, इसलिए उनको कमल का फूल अगर आप अर्पित करते हैं तो माँ अत्यंत प्रसन्न होंगी और घर में धन की वर्षा होगी। तो राधे राधे दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे।